तो वहीं यूपी के कानपुर के सीसाबाऊ में सीएम योगी ने रोड शो किया। इस मौके पर महिला मोर्चा 500 महिलाएं कमल साड़ी पहनकर पहुंची। सीसाबाऊ विधानसभा की महिलाओं ने बीजेपी की जीत का दावा किया। योगी कार से नरेंद्र मोहन सेतु स्वरूप नगर ईदगाह होते हुए सीएम योगी ने 80 मिनट में करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय की। बजरिया से रामबाग हर सहाय कॉलेज होते हुए निरंजन निवास गोपाल टॉकीज सेंट्रल बैंक चौराहा विजय टावर लेनिन पार्क ज्वाला देवी आनंद बाग होते हुए संगीत टॉकीज पर रोड शो खत्म हुआ। सीसाबाऊ में सीएम योगी ने रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आई। इसकी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और कानपुर की एक सीसाबाऊ सीट है जिस पर भी उपचुनाव होना है। ये सब भाजपा के रंग की और ऐसे में इन महिलाओं में भी काफी उत्साह है और इसका 95% असर पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो 101% असर पड़ना चाहिए। जनता और कार्यकर्ता हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो यही है, बस सुरेश अवस्थी जिंदाबाद। एक नारा है जो इन दिनों देश में गूंज रहा है, आपके हाथ पर है, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या ये नारा कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। सारे कार्यकर्ता, सारे हिंदुत्व, तो सब एक होकर और एकजुट होकर लगे हुए हैं और एक साथ वोट मांग रहे हैं, एक साथ सब वोट देने के लिए तैयार हैं, तो ये नारा। लंबे समय से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में, तो क्या लगता है अब ऐसा क्या होगा कि ये भाजपा के खाते में जाएगी? बदलाव आना बहुत जरूरी है क्योंकि सुधार तभी हो सकता है, न्याय तभी मिल सकता है जब परिवर्तन हो, और इसको परिवर्तन की बहुत जरूरत है और परिवर्तन होगा इस बार। और भी कुछ महिलाएं बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा पांडे है। क्या लगता है ये सीट किन मुद्दों को लेकर अब भाजपा के खाते में आएगी, क्योंकि लंबे समय समाजवादी के पास है? क्योंकि हमारा सबसे पहले तो ये मुस्लिम बाहुबल एरिया है और हमारी मुस्लिम वर्ग की बहनें भी वो जान चुकी है कि 3 तलाक को हमारे माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला दिया, तो वो बहनें भी हमारे साथ है और पूरा हमारा सनातनी हमारे साथ है। और पहली बात तो बहुत बहुत ही बड़ी आबादी में हमारी 50% की हमारी मात्र शक्ति हमारे इस सीसाबाऊ विधानसभा के साथ है, इसलिए 100% ये श्योर है कि 20 तारीख को हम ही लोग कमल का फूल खिलाएंगे और भाजपा के और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैं क्या नाम है? डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी। क्या लगता है क्यों ये खाते में, क्योंकि महिलाओं से जिस तरीके से दूर देती रही सरकार, अब ये सीट जो है ये खाली हुई है और कहने के इसके विधायक जेल में, तो कितना असर पड़ने वाला है? पूरा 90-95% असर पड़ेगा। पार्टी के पास थी, अब वो भाजपा के खाते में आएगी। कानपुर से अमित शर्मा, जनतंत्र टीवी।